चलिए बनाते हैं लंच थाली। जी हाँ दोस्तों, ये लंच थाली बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और इसमें एक ऐसा रेसिपी है जो आपने कभी शायद कभी नहीं बनाया होगा और नहीं खाया होगा मेरे हिसाब से। तो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो हम किचन में आ गए हैं और हम ले लिए हैं तिरोई। मेरे यहाँ इसे तिरोई बोला जाता है, जो धारी वाला होता है ना। तो हम इसे पहले से साफ से धुल लिए थे और इसे पतले पतले लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिए और एक रख लिए थे आप लोगों को दिखाने के लिए। और इसमें से हम ना एक रेसिपी और बनाएंगे, जो रेसिपी एकदम से अलग और एकदम से यूनिक है। तो और हम कुछ ना तिरोई को साइड में रख लेते हैं, इसे बाद में बनाएंगे। और इधर हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा देते हैं। और मेरा दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और ना कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, कुछ भी रिस्पांस देंगे तभी जाके मुझे पता चलेगा कि मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ। तो गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई एकदम अच्छे से गर्म हो गया है। उसमें अब हम डाल देंगे सरसों का तेल। तो तेल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, कम ही तेल में ये वाली सब्जी बन जाती है और बिना मसाला वाला बनेगा ये, एकदम सिंपल सादा। तो तेल गर्म होगा तो इसमें मेथी दाना डाल देंगे और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे सब्जी के हिसाब से। ये सब सब्जी ऐसा होता है, दिखने में बहुत ज़्यादा लगता है पर बन जाता है तो बहुत ही कम हो जाता है। और इसमें हम दो प्याज स्लाइस में कट कर लिए, उसे भी डाल देंगे। जब तक मेरे प्याज भून रहा है तो इधर हम दाल रख लेते हैं। तो दाल हम पहले से साफ से 4 से 5 पानी रगड़ के धुल लिए थे और कुकर में हम डाल देंगे और थोड़ा उसमें पानी डाल देंगे। तो ये हम अपने फैमिली के हिसाब से बना रहे हैं। तो दाल चावल तो सिंपल सा किसी को भी बनाने आता है। मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि मैं लंच में क्या क्या बनाई हूँ। और एक रेसिपी इसमें ज़रूर आप देखिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही यूनिक रेसिपी मिलने वाला है। तो दाल में हम पानी डाल दिए, उसमें टमाटर प्याज और हरी मिर्च डाल दिए हैं। तो आप चाहें तो तड़का के समय हरी मिर्च डाल सकते हैं। उसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चुटकी भर जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे। इसमें ना दाल में हींग बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो आप चाहें तो तड़का में भी डाल सकते हैं पर मैं अभी डाल दी हूँ। और थोड़ा सा 2-4 बूंद के जितना सरसों के तेल डाल देंगे। इससे क्या होता है ना कि पानी कुकर से बाहर नहीं आता है जब गैस पे रखने से, और इसे 3 से 4 सीटी आने तक रख देते हैं पकने के लिए। और इधर प्याज तब तक मेरा अच्छे से भून गया था, फिर हम इसमें डाल देंगे तिरोई। तो आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ सिर्फ इसे तिरोई या सतपुतिया बोला जाता है, मतलब ये नेनुआ नहीं है, ये तिरोई है। और इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। इसमें ना नमक हिसाब से ही पड़ता है क्योंकि ये बनके ना कम हो जाता है इसके लिए। तो आप अपने अंदाज के हिसाब से डाल दें, या तो थोड़ा गल जाए तब जाके नमक डालें, पर नमक डाल देने से जल्दी से गल जाता है इसलिए मैं नमक डाल दी हूँ। और देखिए, नमक डाल के हल्दी डाल के 4 से 5 मिनट हो चुका है, पूरा पानी रिलीज कर दिया है ये और सूख भी रहा है। तो 4 से 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाई हूँ। और तब तक हम इधर आटा लगा लेते हैं रोटी बनाने के लिए। तो आटा लगा करके रोटी बनाएंगे। और जो आप प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं इस वीडियो में 2 बार आप लोगों से बोल रही हूँ, मुझे बहुत शर्म आती है पर मैं क्या करूँ, कहना पड़ता है। और आटा मेरा अच्छे से गूंद गया है, उसे रख देंगे साइड में। और तिरोई का सब्ज़ी आप लोग किस तरीके से बनाते हैं ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर हम एक घोल इधर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम बेसन ले लेंगे थोड़ा सा, तो ये अपने हिसाब से हम ले रहे हैं। और बेसन हमने छान करके रखे हैं, उसमें नमक डालेंगे, हींग डालेंगे, अजवाइन मंगरेल थोड़ा सा डाल देंगे और हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। और ना अदरक लहसुन और हरी मिर्च का हमने पहले से पेस्ट बना करके रखे हैं, तीखे के अनुसार उसे डाल देंगे। और उसे मिक्सी जार में लगा है ना, उसमें पानी डालकर डाल देंगे और एकदम गाढ़ा एक घोल तैयार करेंगे। मतलब पतला एकदम नहीं होना चाहिए, गाढ़ा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर पतला हो जाएगा ना तो ये रेसिपी ख़राब हो जाएगा। और इधर देखिए,
पानी छोड़ने के बाद एकदम अच्छे से सब्जी सूख गया है और एकदम बढ़िया से भून भी गया है। तो सब्जी इधर दाल भी हो गया है और इधर सब्जी भी हो गया है। सब्जी एकदम जब तक पानी इसका सूख ना जाए तब तक सब्जी को पकाना होता है, तभी जाके ये सब्जी अच्छा लगता है। तो सब्जी और दाल दोनों बन चुका है और दाल से सीटी निकाल कर और इसे थोड़ा थोड़ा मथ देंगे कलछल से ही और एक बाउल में निकाल देंगे। तो हमने एक बाउल में निकाल दिए हैं, अब उसी कुकर को धुल दिए हैं और उसी में हम चावल पहले से धुल करके रखे थे। तो कुछ कुछ तैयारियां कर लिए थे क्योंकि लंच थाली में क्या होता है ना, लंबा वीडियो हो जाता है इसके लिए। तो चावल पहले से धुल लिए थे, जितना चावल हम लिए हैं ना तो आप किसी भी कटोरी गिलास से नाप करके ले सकते हैं। तो उतना ही हम पानी डाले हैं इसमें, क्योंकि अगर ना कुकर के बिना अगर बना रहे हैं किसी और बर्तन में तो पानी थोड़ा सा अधिक लगता है। कुकर में आधा आधा मतलब आधा चावल मतलब एक गिलास चावल है तो एक गिलास पानी पड़ेगा, वो भी चावल थोड़ा सा फूला हुआ है तो बन जाता है। तो अब इधर हम तड़का लगा लेते हैं दाल में। तो उसमें थोड़ा सा सरसों तेल डाले हैं, तड़का पैन गर्म हो गया था तो उसमें डाल देंगे लहसुन जीरा और करी पत्ता और इसे हम तड़का लगा देते हैं। तो ये मेरा दाल भी एकदम से रेडी हो चुका है। दाल मेरे यहाँ थोड़ा सा पतला बनता है क्योंकि एकदम से गाढ़ा दाल पसंद नहीं है इसके लिए। तो दाल भी रेडी हो गया, सब्जी भी, और इधर चावल रख दिए हैं और इधर हम रोटी बना लेते हैं। तो रोटी आप देख सकते हैं कितना फूला फूला एकदम गुब्बारे के जैसे बना है। तो रोटी भी हो गया है, चावल भी हो गया। अब हम चलते हैं जो यूनिक रेसिपी आप लोगों से बोली हूँ, दिखाऊंगी मैं बना करके। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी हुआ था और मज़ा आ गया था। मेरे यहाँ कोई पहचान भी नहीं रहा था कि ये किस चीज़ का बना हुआ है। तो हम इधर ना चार से पाँच ना हरी मिर्च को बीच से चीरा लगा लिए थे और रख दिए थे। ये बेसन के घोल में डिप करके इसे छान लेंगे। ये वाली ना दाल चावल के साथ ना ये मिर्च वाला पकौड़ा बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो अगर आप बना करके खाते हो तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसे अब साइड में रखेंगे और हम ले लेंगे ये जो तिरोई कट करके हम पहले से रखे थे उसे, और इसी बेसन में डिप कर देंगे और एक एक निकाल करके इसे भी तेल में छान लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये पकौड़ा बन करके रेडी हुआ था। यकीन नहीं हो रहा था कि हम ये तिरोई से बनाए हैं। मेरा बेटा इतना खाया था और बोल रहा था मम्मी ये लग रहा है ना शिमला मिर्च का बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी है। तो एक एक हम डाल दिए, फिर सोचे हैं चलो सभी तिरोई को उसी में मिला देते हैं। तो इसलिए आप बेसन को गाढ़ा ही रखें, नहीं तो तिरोई से हल्का हल्का पानी जो निकलता है ना तो उसे रेसिपी ख़राब हो जाएगा। बेसन एकदम से गाढ़ा ठीक मतलब इसका बैटर तैयार करें और इसे ना एकदम मीडियम आंच पे बढ़िया से क्रिस्पी होने तक तल लें। तलने में भी टाइम नहीं लग रहा था क्योंकि तिरोई हम ना एकदम पतला पतला कट किए हैं। और सच में दोस्तों बहुत ही मज़ेदार ये पकौड़ा बन करके रेडी हुआ है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। आप भी सोचेंगे कि ये कैसा रेसिपी हम लोग, इतना नया रेसिपी हम लोगों को मिला है। मेरे हिसाब से तो नया ही है क्योंकि मैं भी पहली बार ही बनाई हूँ, ऊपर एकदम सक्सेसफुल हुआ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये पकौड़ा बन करके रेडी हुआ है। लग ही नहीं रहा था कि ये तिरोई का पकौड़ा है। तो सारे पकौड़ा को एक एक करके हमने तल लिए हैं। तो एकदम आप अपने हिसाब से इस पकौड़े को तल सकते हैं क्रिस्पी होने तक। तो ये सब्जी मेरा तिरोई का बहुत ही टेस्टी, चावल दाल रोटी सब कुछ हमने बना लिए हैं, बहुत ही मज़ेदार मेरा आज का लंच थाली था। मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था, मेरे बेटे और मैंने सभी को काफ़ी पसंद आया था। तो चलिए अब हम थाली लगा लेते हैं। तो थाली में हम रख देते हैं चावल, दो रोटी और ये उसी में दाल रख देंगे और इधर तिरोई का सब्जी और इसमें हम रख देते हैं तिरोई का पकौड़ा। तो है ना कितना यूनिक रेसिपी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये सही है कि नहीं। और इसमें हम दही रख देते हैं, लंच थाली में दही तो ज़्यादा ही बनता है, ज़रूर रखें। और ये देखिए ये रहा मेरे यहाँ का दोपहर का लंच थाली, बहुत ही मज़ेदार लंच थाली हुआ था आज का। तो प्लीज़ दोस्तों अगर लंच थाली थोड़ा भी आप लोगों को पसंद आएगा तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों बार बार आप लोगों से मैं बोल रही हूँ यही बात, और मेरे पति बैठे हैं उनको दे दिए हैं खाने के लिए, बहुत ही खुश हुए हैं कि ये थाली सजा कर मिला है। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।